इतना सैटिस्फाइड है, सैटिस्फाइड नहीं हो भाई। 10 में से 5 भी नहीं देंगे। अच्छा ये लो ब्रो, ये लो बुराइन, मतलब सिस। तो अभी बहुत टाइम हो गया है और अभी हम वापस से अब जा रहे हैं मैच देखने, क्योंकि परसों एग्जाम है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एंड आज है सैटरडे और आज एग्ज़ाम है, आज एग्ज़ाम डे, दूसरा दिन है आज, और आज जाना है, एग्ज़ाम देना है। अभी 7:30 बज रहा है, 9:30 बजे तक हम लोगों को सेंटर पे पहुंचना है। तो अभी 2 घंटा आराम से हम लोगों के पास, अभी ब्रश व्रश करेंगे, स्नान वगैरह करेंगे। एंड सनी डार्लिंग गए हुए थे मार्केट, तो मार्केट से अभी तुरंत आए हैं और मुकान पहुँच रहे हैं और बहुत कुछ लाए हैं मार्केट से, तो देखते हैं क्या क्या लगाए हैं। नहीं सो हियर इट इज, क्या क्या आया है, मैगी है और क्या है, हाँ सुधा का दही है, ये सुधा का दही है, और क्या है इसमें, और मैगी ही है, मतलब अभी इतना सारा मैगी हम लोग बनाने वाले हैं। जल्दी ऑटो फोकस नहीं लेता ये, इतना सारा मैगी और सुधा का दही, और इन सब के साथ साथ एक च्युइंगम भी है जो कि एग्ज़ाम टाइम में चबाएंगे। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, वेरी नाइस। अच्छा लगता है, बताइए, ये सब अच्छा लगता है, कर देंगे किसी दिन, हम भी लगा देंगे झाड़ू। भाई तू जा, जा तू जा भाई, ए गौरव तू जा, कपड़ा उपड़ा पहन के आओ, स्नान उस्नान करो। सो आई एम रेडी टू गो, एंड अभी हम लोग बनाएंगे मैगी, मतलब जाने को तैयार हैं बट मैगी खा के जाएंगे क्योंकि भूख लग जाती है, और 5 पैकेट मैगी है अभी बनाएंगे। ऐसे सोचे थे कि प्याज व्याज पूरा डाल के बनाएंगे, बट अभी टाइम बहुत कम है तो पानी में डालेंगे, 2 मिनट में मैगी बनाएंगे, 2 मिनट में बनने वाली, तैयार होने वाली मोगी मैगी। कैसा बना है सनी, कैसा बना है? गरम है पर इसको खाते हैं और फटाक से चलते सेंटर पे। सो फाइनली अब अपना बाल बिगाड़ के हम लोग पहुँच गए हैं मनाली, और अभी हम लोग अपना सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। सो चलते हैं और चल के पेपर फाड़ के आते हैं, मतलब नहा सुना के मैगी वैगी खा के निकले और ऑटो में पूरा बाल ही बिगड़ गया, क्या बात है, क्या बात है। तो ये हमारा एग्जामिनेशन सेंटर है और यहीं पे हम लोग आते हैं एग्ज़ाम देने, और यहाँ पे काफ़ी सारा फ्रेंड सब वेट कर रहा है, सबका फ़ोन मेरे पास है। ये लो बुराइन, मतलब सिस। सो फाइनली अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, और सुमित भी, मतलब एग्जाम खत्म नहीं हुआ, आज का एग्जाम खत्म हो गया, पेपर खत्म हुआ। और कैसा गया एग्जाम? मेरा तो ठीक ही गया, तुम्हारा कैसा गया? मस्त। अब अगला पेपर कब है? 16 को है, और 16 को मेरा भी पेपर है, पहला सेटिंग के सेकंड सेटिंग, दूसरा सेटिंग मेरा पहला है। ठीक है, तो मिलते हैं 16 को, चलो ठीक है, बाय। तो फाइनली जाएंगे हॉस्टल। तो फाइनली आज का एग्जाम खत्म हो गया एंड अब जा रहे हैं हम लोग हॉस्टल, निकलेंगे, भूख लगा है, कुछ खाएंगे पियेंगे जाके। और पता नहीं लोगों का एग्जाम खराब कैसे चला गया यार, कैसे खराब नहीं गया, मतलब इतना सैटिस्फाइड है, सैटिस्फाइड नहीं हो भाई। 10 में से 5 भी नहीं देंगे। अच्छा, सो फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने कॉलेज, और इधर है 2 लौंडे और ये हम लोग का कॉलेज वाला गेट। अभी हम लोग गए थे पर्वती क्योंकि लग गई थी भूख और खाना पीना खा लिए हैं, अब जाके हॉस्टल में मस्त सो जाएंगे, चील करेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम परसों है तो कल पढ़ा जाएगा, फिर परसों एग्ज़ाम लिखा जाएगा। हालत ख़राब हो जाता है यार, एग्ज़ाम देकर आते हैं ना, हालत ख़राब हो जाता है। देख रहे हो ना विनोद, एग्ज़ाम देकर आए हैं और ये लड़का पढ़ाई शुरू कर दिए हैं, क्या देख रहे हैं, क्या क्या है, परसों फिर एग्ज़ाम है, इसलिए देखना भी ज़रूरी है ना।
क्या होगा पता नहीं, देखते हैं। ये है, एक डेसी वैसे ना देख रहे हूँ विनोद कैसे पढ़ाई हो रहा है। सो हॉस्टल आ गए थे आज दोपहर में ही, और उसके बाद क्या हुआ ना कि सो गए, और सोने के बाद थोड़ा देर शाम में खेले हैं हम लोग। क्या खेले हैं वो बताएंगे बाद में, कभी और बताएंगे कभी और। तो फिर उसके बाद गए मेस, एंड मेस में खाना पीना खा के आए, तो व्लॉग बनाने का समय ही नहीं मिला, मतलब आदत छूट गया ना तो व्लॉग बनाने का समय नहीं मिला। और ऊपर ये देख रहे हैं ये पाइन इतना सारा रखा हुआ है, तो ये पाइन हम आप लोग के लिए लाए थे, बट बहुत लोग हुआ कि बोला ही नहीं, तो मेरे पास ही बहुत सारा रह गया, जिस जिसको दे पाए उसके उसको दे दिए और बाकी रह गया। तो हमको पता है इसमें कमेंट आने वाला है कि भैया हमको एक दे दीजिएगा, और देखते हैं किसी न किसी को तो दे ही देंगे। तो अभी मेरे दिमाग में थोड़ा सा खुरपाती चल रहा था कि हॉस्टल में ऐसे पड़े हैं कुछ ना कुछ किया जाए, बट उससे पहले आप लोगों को बताते हैं कि बहुत जल्द मेरे चैनल पे तो नहीं बट बहुत जल्द कुछ आने वाला है। ये देखिए आज हम ये मंगवाए हैं, ये दो मार्कर आया, ये ब्लैक एगो लेते ज़्यादा बेहतर रहता सनी, क्या एगो ब्लैक लेना चाहिए था, नहीं पता ब्लैक वाला ज़्यादा फोकस मारता है। अच्छा कोई बात नहीं, जाते हैं थोड़े जीतू के साथ मस्ती करेंगे। खुरपाती तो क्या क्या कहना चाहेंगे इस पे कुछ कहना चाहेंगे पानी आके ला पीछे से लुटा दिया कुछ कहना चाहेंगे इस पे नहीं, कुछ कहिए बिल्कुल नहीं, दो शब्द सत्य यही कांड अभी अगर निखिल के साथ हुआ रहता ना तो निखिल तो पूरा फॉर्म में आगे रहते। अच्छा कभी और किया जाएगा उनके साथ, एकदम ढक्कन में ले जाएंगे और पीछे से डाल देंगे। यही हम लोग करते थे सवार में, जब सवार में थे तो बर्फ़ ले देते और बर्फ़ में डाल देते थे एक दूसरे के शर्ट में टी शर्ट में, और उसके बाद जो नाश्ता था सब क्या ही लगता था। सो अभी बहुत टाइम हो गया है और अभी हम वापस से अब जा रहे हैं मैच देखने, क्योंकि परसों एग्ज़ाम है। मैच तो देखेंगे, मैच कैसे छोड़ दें, तो मैच देखेंगे और फिर कल पढ़ेंगे और फिर परसों एग्ज़ाम देंगे। तो स्टे ट्यून और आप लोगों को बताते रहते हैं और ट्राई करेंगे कि अब व्लॉग आते रहे, थोड़ा चेंज लाना जरूरी है। तब तक के लिए सायोनारा।